नमस्कार। बीएससी पार्ट सेकंड की फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर इलेक्ट्रो केमिस्ट्री फर्स्ट में आज हम कोलरास लॉ की स्टडी करेंगे। कोलरास लॉ क्या है? किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट की अनंत अणुता पर तुल्यांकी चालकताओं का मान ज्ञात करने के लिए कोलरास नियम को उपयोग में लेते हैं। कोलरास ने एक निश्चित ताप पर कुछ वैद्युत अपघट्यों के युग्म जिनके आयन समान हैं की अनंत अणुता पर तुल्यांकी चालकता ज्ञात की, जैसे पोटेशियम फ्लोराइड और सोडियम फ्लोराइड। ये विद्युत अपघट्य हैं जिनके आयन, जैसे फ्लोराइड आयन समान है, उनकी तुल्यांकी चालकता ज्ञात की। तो इस तरह से विभिन्न युग्मों विद्युत अपघट्य के युग्मों की उसने तुल्यांकी चालकता ज्ञात की, जिसे हम टेबल में दिखाया है। टेबल से हम देखते हैं कि KF और NaF इन दोनों में फ्लोराइड आयन समान है, और इन दोनों की तुल्यांकी चालकता का अंतर देखें तो 21.1 आता है। इसी तरह से हम KCl और NaCl देखें, इसमें क्लोराइड आयन समान है और दोनों की तुल्यांकी चालकता का अंतर देखें तो वो भी 21.1 आता है। इसी तरह से अगर हम क्लोराइड को नाइट्रेट से सब्स्टिट्यूट कर दें तो जो विद्युत अपघट्य हमें मिल रहा है, पोटेशियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट, इनकी तुल्यांकी चालकताओं का अंतर देखें तो वो भी 21.1 आता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो सोडियम और पोटेशियम है, इसमें अगर हम समान आयन लें तो उनमें जो अंतर होगा वो समान होगा। तो इस तरह से विभिन्न विद्युत अपघट्य के समान आयन वाले युग्मों का अध्ययन किया और देखा कि उसमें जो अंतर आ रहा है वो समान आता है। तो टेबल से स्पष्ट है कि समान आयन रखने वाले विद्युत अपघट्य की अनंत अणुता पर तुल्यांकी चालकताओं का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा निश्चित होगा। टेबल में जो रिजल्ट थे उनके आधार पर जो कोलरास है उसने निष्कर्ष निकाला कि अनंत अणुता पर किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की कुल तुल्यांकी चालकता में प्रत्येक आयन, यानी धनायन और ऋणायन है, उनके तुल्यांकी चालकताओं का योगदान निश्चित होता है, और यह जो सहभाजित आयन है उनकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, उससे स्वतंत्र होता है। किसी विलयन की तुल्यांकी चालकता में प्रत्येक आयन का व्यक्तिगत योगदान होता है, उस आयन की तुल्यांकी चालकता को आयनिक चालकता कहते हैं। इस आधार पर वैज्ञानिक कोलरास ने एक नियम प्रतिपादित किया जिसे कोलरास का नियम कहते हैं। कोलरास के नियम के अनुसार अनंत अणुता पर जब कोई पदार्थ पूर्ण रूप से आयनित होता है या पूर्ण रूप से वियोजित हो जाता है तो पदार्थ की मोलर चालकता या विलयन की कुल मोलर चालकता में प्रत्येक आयन का योगदान निश्चित होता है, जो केवल आयन की प्रकृति पर निर्भर करता है, इस बात पर नहीं कि उस पदार्थ से, उस आयन से संबद्ध दूसरे आयन की प्रकृति क्या है। और अनंत अणुता पर किसी पदार्थ की तुल्यांकी चालकता का मान उसके दोनों आयनों की चालकताओं के योग के बराबर होता है, अर्थात लैम्ब्डा इनफाइनाइट इक्वल टू लैम्ब्डा इनफाइनाइट प्लस और लैम्ब्डा इनफाइनाइट माइनस, या हम ये भी कह सकते हैं लैम्ब्डा नॉट इक्वल टू लैम्ब्डा नॉट प्लस और प्लस लैम्ब्डा नॉट माइनस। तो ये इक्वेशन जो है वो कोलरास समीकरण कहलाती है, जो कि कोलरास नियम को व्यक्त करती है। तो हम कोलरास नियम को क्या कहें कि किसी विलयन की अनंत अणुता पर तुल्यांकी चालकता, विलयन में उपस्थित धनायन की अनंत अणुता पर तुल्यांकी चालकता तथा ऋणायन की अनंत अणुता पर तुल्यांकी चालकताओं का योग होता है। तो यहाँ लैम्ब्डा इनफाइनाइट हमारी विलयन की अनंत अणुता पर तुल्यांकी चालकता है,
जो कि धनायन की अनंत तन्मात्रा पर तुल्यांक की चालकता और ऋणायन की अनंत तन्मात्रा पर तुल्यांक की चालकताओं का योगफल है। यहाँ लैम्डा इनफाइनाइट प्लस धनायन की अनंत तन्मात्रा पर तुल्यांक की चालकता है और लैम्डा इनफाइनाइट माइनस ऋणायन की अनंत तन्मात्रा पर तुल्यांक की चालकता है। अगर हम तन्मात्रा के स्थान पर सांद्रता शब्द काम में लें तो हम ये कहेंगे लैम्डा नॉट इक्वल टू लैम्डा नॉट प्लस प्लस लैम्डा नॉट माइनस, अर्थात लैम्डा नॉट क्या है, अल्प सांद्रता या न्यून सांद्रता पर तुल्यांक की चालकता, और लैम्डा नॉट प्लस और लैम्डा नॉट माइनस क्रमशः न्यूनतम सांद्रता पर धनायन की तुल्यांक की चालकता और ऋणायन की तुल्यांक की चालकता है। इस अभी जो हमने देखा, जो समीकरण देखी, वह तुल्यांक की चालकता के संदर्भ में थी। अगर हम मोलर चालकता के संदर्भ में देखें इस इक्वेशन को, तो यह नियम मोलर चालकता के संदर्भ में किस प्रकार से होगा कि अनंत तन्मात्रा पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, उसमें उपस्थित धनायन की तुल्यांक की चालकता और सॉरी अनंत तन्मात्रा पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उसमें उपस्थित धनायन और ऋणायन की मोलर आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होती है। अर्थात हम ये कहें म्यू इनफाइनाइट हमारी मोलर चालकता हुई, तो म्यू इनफाइनाइट इक्वल टू वी प्लस लैम्ब्डा इनफाइनाइट प्लस प्लस वी माइनस लैम्ब्डा इनफाइनाइट माइनस। यहाँ वी प्लस धनायन विलयन में उपस्थित धनायनों की संख्या है और वी माइनस विलयन में उपस्थित ऋणायनों की संख्या है, और लैम्ब्डा इनफाइनाइट प्लस विलयन में उपस्थित धनायन की तुल्यांक की चालकता है और लैम्ब्डा इनफाइनाइट माइनस विलयन में उपस्थित ऋणायन की तुल्यांक की चालकता है। ठीक है, तो मोलर चालकता हमारी क्या हो गई, धनायन के कुल मोलों की संख्या इंटू धनायन की अनंत तन्मात्रा पर तुल्यांक की चालकता, और ऋणायन की मोलर चालकता क्या होगी, ऋणायन की संख्या इंटू ऋणायन की अनंत तन्मात्रा पर तुल्यांक की चालकता। तो इन दोनों का योग करने पर, यानी धनायन की मोलर चालकता और ऋणायन की मोलर चालकता का योग करने पर विलयन की कुल मोलर चालकता प्राप्त होती है, जो कि कोलराश नियम को व्यक्त करती है। तो यह हमारा कोलराश नियम था। थैंक यू।